एवरेज के वाले से सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होती है। कोई भी नंबर क्वांटिटी वैल्यूज जो हमें दी होती है उसकी जो मिड वैल्यू होती है वो एवरेज होती है। जिस तरह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वांटिटी जितनी क्वांटिटीज दी हुई उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम एवरेज कहते हैं। एवरेज के लिए फॉर्मूला जो है वो ये है कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज जिस तरह फर्ज किया हमें दी हुई है 1, 5, 7, 8, 9, 10 ये दी हुई है जिसका हमने एवरेज निकाली है। तो इनको हम आपस में ऐड करेंगे सम करेंगे 1 + 5 + 7 + 8 + 9 + 10 और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं 6 हैं तो 6 पे डिवाइड कर देंगे। इनको हम आपस में ऐड करेंगे ये बन रहा है 40 डिवाइड बाय 6 6.66 ये इसकी एवरेज आ रही है। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ इवन इंटीजर्स फ्रॉम 2 to 100 इंक्लूसिव इज ए 49 ऑप्शन बी है 52 ऑप्शन सी है 51 और ऑप्शन डी है 50। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इवन इंटीजर्स जो कि 2 से 100 तक हैं इनको शामिल करके यानी 2 और 100 को शामिल करके ये बताना है कि इवन इंटीजर्स का सम क्या है। ये ऑप्शन डी है। हमें पता है कि इवन इंटीजर्स का सम जो है उसका फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन। ये फॉर्मूला कहां से है इसके लिए हमारा सीक्वेंस वाला चैप्टर जो कि हमने इससे पहले अपलोड किया हुआ है उसको देख लें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया हुआ है। अब जो वैल्यू दी हुई वो 2 + 4 + 6 + 100 तक है और इसमें कितने वैल्यूज है 2, 4, 6, 8 से 100 और नंबर इसमें नहीं है तो ये बन जाएंगे 50। यहां पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे 50 × 50 + 1 ये बन जाएगा 2550। और हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी वैल्यू दी हुई है उनका सम जो कि हमारे पास ये आगे और नंबर ऑफ वैल्यूज ये कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है जिस तरह ये दी हुई 2, 4, 6, 8 ये कितनी है 50 है तो इस पे डिवाइड कर देंगे 2550 को 50 पे डिवाइड कर देंगे 51 इसका आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 54 इफ 3 ऑफ द नंबर्स आर 26, 28 एंड 30 व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर टू। ये कह रहे हैं कि 5 नंबर हैं जिनके एवरेज 54 है जिनमें से 3 की एवरेज है वो 5 नंबर है जिनकी एवरेज 54 है अगर उनमें से 3 नंबर ये दिए हो 26, 28 और 30 तो हमने ये बताना है कि जो दूसरे दो उनकी एवरेज क्या होगी। ऑप्शन ए 91 ऑप्शन बी है 93 ऑप्शन सी है 54 और ऑप्शन डी है 186। हमें पता है कि सम ऑफ एवरेज जो है वो सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज ये फॉर्मूला पहले हम पढ़ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक एवरेज उन्होंने दी हुई है 54 एवरेज की जगह एवरेज की वैल्यू और सम ऑफ क्वांटिटीज जो है वो 3 दी हुई है 2 हमें नहीं पता वो हम लेट करते हैं कि ए और बी है। हमें ये बताना है कि जो ए और बी है हमें पता है कि एवरेज सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज जो है नंबर ऑफ क्वांटिटीज होता है एवरेज यहाँ पे उन्होंने दी हुई है 5 नंबर की एवरेज 54 है और उनमें से 3 नंबर भी दी हुए 26, 28 और 30 हमने ये बताना है जो दूसरे दोनों की एवरेज है लेट करते हैं जो दूसरे दो नंबर है वो ए प्लस बी है और साथ में ये 3 नंबर उन्होंने दी हुए 26, 28 और 30 एवरेज 54 उन्होंने दी हुई यहाँ पे एवरेज पुट कर देंगे और नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमें पता है ये 5 है इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे 26
26, 28 और 30, 84 बन गए, 84, 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 270 आ गया, 84 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 186 आ गए। अब हमें पता है ए और बी को एड करेंगे तो 186 आएगा, फिर इसकी एवरेज अगर हम निकालें तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, 186 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 93 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑब्टेन 60%, 8 स्टूडेंट एक क्लास में 60% ले रहे हैं, 3 ऑब्टेन 75%, 3 स्टूडेंट 75% ले रहे हैं, 2 ऑब्टेन 80%, 2 80% ले रहे हैं और 7 ऑब्टेन 45% इन अ क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट में 7 जो है वो 45% ले रहे हैं। हमें ये बताना है व्हाट इज एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स के 49%, 59%, 29% या 51%। हमें पता है एवरेज जो है वो सम ऑफ क्वांटिटीज नंबर ऑफ क्वांटिटीज होते हैं, यहाँ पे जितनी भी हमें क्वांटिटीज दी हुई है, 8 स्टूडेंट 60% 3 ऑब्टेन 70, जितनी भी क्वांटिटीज दी हुई है इनको सम करना है और जितने ये स्टूडेंट है इनको सम करके इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। 8 स्टूडेंट जो मार्क्स ले रहे हैं वो 60% है तो 8 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 480 आ गया हमारे पास। 3 ऑब्टेन 75%, 3 स्टूडेंट कितने ले रहे हैं वो ले रहे हैं 75, तो 3 से 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। इसी तरह 2 ऑब्टेन 80%, 2 स्टूडेंट ले रहे हैं 80%, 2 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 160, और 7 ऑब्टेन 45%, 7 स्टूडेंट कितने ले रहे हैं 45, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, ये बन गया 315, टोटल ये बन गया 20 स्टूडेंट्स और ये टोटल बन गया 1180। ये 1180 सम ऑफ क्वांटिटीज आ गया और 20 स्टूडेंट ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज बन गया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे 1180 डिवाइड बाय स्टूडेंट यानी कि 20 है, 20 पुट कर देंगे डिवाइड करेंगे तो ये 59 इसका आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 4.5 व्हाट इज सम ऑफ द नंबर्स, इस दफा मीन दी हुई है और हमने सम ऑफ नंबर्स बताना है, एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज का एवरेज होती है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एवरेज उन्होंने हमें दी हुई है 4.5 है तो 4.5 क्या हमें पुट करेंगे, सम हमने फाइंड करना, व्हाट इज सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ नंबर फाइंड करना है तो ये सम उसी तरह रहेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमें उसने दी हुई है 6 नंबर्स डिवाइड बाय 6, सम हमने फाइंड करना है, 6 इसके साथ डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 into 4.5 is equal to sum, यानी sum जो है 4.5 into 6 की इक्वल आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 4.5 27 आ गया जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आसम हैड एन एवरेज ऑफ 60 ऑन हिज फर्स्ट 4 मैथ टेस्ट, आसम की पहले 4 मैथ टेस्ट में एवरेज जो है वो 60 की है, आफ्टर टेकिंग द नेक्स्ट टेस्ट हिज एवरेज ड्रॉप टू 58, अगर वो नेक्स्ट टेस्ट दे रहे हैं और उसकी एवरेज 58 पे ड्रॉप हो जाती है, फाइंड हिज रीसेंट टेस्ट ग्रेड, ये बताना है कि जो आखिरी टेस्ट उसने दिया उसमें उसके कितने मार्क्स हैं, 40 डी है 50 सी है 48 या 32, हमें पता है एवरेज सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज होता है,
यहाँ पे फोर क्वांटिटीज में उसने की हुई है, फोर में उसकी एवरेज 60 है, 4 × 60 = 240, यानी 4 10 के सम ऑफ क्वांटिटीज 240 है, और पांचवी क्या नहीं पता कि पांचवा मालूम करना है, यहाँ पे हम पांचवा लेट करते हैं वो एक्स है, पांचवी क्वांटिटीज इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में वैल्यू, ये बन जाएगा 240 प्लस एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ क्वांटिटीज 4 उसने पहले दी हुई थी और पांचवी जो हमने अभी मालूम करनी है, यानी 5 हो गई है, एवरेज उसमें 4 की कितनी दी हुई है 60, 4 की दी हुई थी और नेक्स्ट के बाद उसकी एवरेज 50 ऐड हो जाती है, यानी इसकी एवरेज यहाँ पे 50 ऐड हो जाती है, 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 58 = 240 प्लस एक्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 290 = 240 प्लस एक्स, 240 एक्स के साथ प्लस हो रहा है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 290 − 240, माइनस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एवरेज ऑफ 3 की पावर 10, 3 की पावर 20 एंड 3 की पावर 30, ऑप्शन ए 9 की पावर 59, ऑप्शन बी है 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 19 प्लस 3 की पावर 29, ऑप्शन सी है 9 की पावर 57, ऑप्शन डी है 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 21 प्लस 3 की पावर 31। एवरेज का फॉर्मूला में पता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे 3 पावर 10 प्लस 3 पावर 20 प्लस 3 पावर 30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है यहाँ पे 3, ये 3 पे डिवाइड हो रहा है 3 पावर 10 प्लस 3 पावर 20 प्लस 3 पावर 30, डिवाइड से जब पावर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर बन जाएगी 3 पावर -1, नीचे इसकी पावर +1 है, जब हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये पावर -1 बन जाएगी, इस -1 को हम तीनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 पावर 10 - 1 प्लस 3 पावर 20 - 1 प्लस 3 पावर 30 - 1, ये बन जाएगी 3 पावर 9 प्लस 3 पावर 19 प्लस 3 पावर 29 जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है इसका।